के वो एक्टर्स को बिठा के एक फुल नरेशन दिया गया था स्टोरीज भी बहुत फेमस है कि हमेशा साथ में बैठ के वो गेम्स खेलते थे और हारना कोई भी नहीं जाता था तो आपको पूरी कहानी बताई गई थी आपको स्टार भी पहले बता दी गई थी कि ये 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 कहानी है हाँ कहा गया था कि शाहरुख खान और आ, का, काजल थी उस टाइम फिल्म में है फिल्म में लेकिन कहानी आ, इन यंगस्टर्स के बारे में है और बाद में हमें जब काफ़ी टाइम बाद आ, हमें आ, जो छो एक्टर्स को बिठा के एक फुल नरेशन दिया गया था एंड आदि आई डोंट नो कि आपने सुना है कि नहीं लेकिन आदि बहुत ही ब्रिलियंट नरेटर हैं अच्छा और वो जिस तरह फोर एंड फोर आवर्स की नरेशन थी हाँ। उनके घर पे हाँ। आ, पूरा हम सबको कंफर्टेबल करके चार घंटे की नरेशन दी थी फिल्म की पूरा डायलॉग्स वायलॉग्स पूरे डायलॉग्स वायलॉग्स एक्सेट्रा के साथ सारे डायलॉग्स उन्होंने खुद रिसाइट किए so he's written it himself हाँ also हाँ all the DDLJ so. uh, तो. तो I mean emotionally hmm. हाँ. क्योंकि हर कैरेक्टर को उन्होंने uh, like, uh, हाँ. सिर्फ uh, अपने स्पीकिंग से yes. और, uh, फिर आपकी किस तरह की ट्रेनिंग हुई मोहब्बत से पहले <laughs> <laughs> आई डोंट थिंक कि किसी और फिल्म किसी और डायरेक्टर uh, के साथ अगर मैं फिल्म करती तो इस तरह की मुझे ट्रेनिंग मिलती है mm -hmm. इस तरह का बेस ट्रेनिंग ग्राउंड पॉलिश भी करते हैं मतलब यशराज वाले कंप्लीटली कम्प्लीटली हर एक एस्पेक्ट में मुझे ट्रेनिंग मिली mm -hmm. चाहे और मेरे मेरे लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा डबल था क्योंकि मेरा रोल एक क्लासिकल डांसर का था तो yeah. ये एक ट्रेनिंग भी मुझे लेनी थी क्योंकि एक लड़की जिसने कभी डांस नहीं किया है लाइफ में कोई भी फॉर्म डांस फॉर्म नहीं किया है उसके लिए एक क्लासिकल डांसर का रोल निभाना एक यशराज फिल्म में बहुत ही आ, मुश्किल बात है लेकिन उन्होंने ये चैलेंज दिया मुझे और सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ सो इट वॉज़ क्वाइट अ बिग कॉन्फिडेंस ऑन दार्ट शोड इन मी तो ये तो एक ट्रेनिंग थी जो मुझे रोज़ हर सुबह इससे स्टार्ट करती थी मेरा मेरा दिन इससे स्टार्ट होता था जो मेरे मास्टर जी थे वो आते थे अपने तबला लेके और मुझे घुंघरू पहनाना सिखाया कत्थक भरतनाट्यम और फोक डांस उन्होंने मुझे सिखाया मेनली कत्थक एंड लिटिल बिट ऑफ भरतनाट्यम नाट्यम एंड और तरुण मनसुखानी जो हैं अभी तक अ, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं क्योंकि रोज बेचारे मेरे घर आते थे mm -hmm. वीडियो रिकॉर्डिंग करने और आदि को दिखाने की, की हर दिन था? कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है एवरी डे दैट वॉज इज जॉब वो असिस्ट God. असिस्ट कर रहे थे उन्हें सो यूज टू कम एंड यूज टू रिकॉर्ड एंड शो आदि उसके बाद हम ऑफिस uh, जाते थे uh, जहाँ पे हमें हिंदी डिक्शन uh, विदुर सर के साथ जो काफ़ी पॉपुलर हैं वॉइस थ्रोइंग लेस किस तरह से हिंदी हमारी इम्प्रूव हो जो बम्बया हिंदी हमारी हो कैसे इम्प्रूव हो किस तरह से फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग होती थी करण के साथ टू एक हीरोइन की अदाएँ कैसी होती हैं अच्छा किस, हो। हो। किस हिंदी फिल्मों के बारे में बताया एक्ट्रेसिस के वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाए Um, पुराने गानों पर डांसेस सिखाए यू नो जस्ट टू मेक अस फ्री उसके हाँ, बाद हाँ वो वाले हाव भाव uh, उसके बाद फिर बैरी जॉन को लंडन uh, 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 दिल्ली से लाया गया um, और पंद्रह um, बीस दिन हमने उनके अंदर अंडर ट्रेनिंग की शाहरुख uh, के वो रहे हैं गुरु जी जी उनके फॉर थिएटर काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो जस्ट टू लूज इन योरसेल्फ एंड Uh, किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स परफॉर्म करोगे और उसके बाद शाम को फारा खान जी के साथ फिल्म mm -hmm. डांस अलग अलग गानों पर परफॉर्म करते थे हम uh, सीखते थे और फिर कैमरा के लिए परफॉर्म करते थे oh अलग अलग हिंदी फिल्म सो द होल डे फॉर वन ईयर आई थिंक फॉर एट मंथ्स आई वॉज ट्रेनिंग मंथ्स के लिए ये ट्रेनिंग और उसके बाद शूटिंग का डे जिस दिन आया तब आपको लगा है या उस I दिन think we were, हर एक इंसान को ये पता था कि उनका काम क्या है सेट पे डायलॉग क्या है सेट पे आदि हमेशा कहते थे कि आपका आपके डायलॉग आपको इतनी अच्छी तरह आने चाहिए कि आप बैकवर्ड्स बोल सकें क्योंकि उस टाइम पे आप फिर अपने

गाना भी शूट हुआ था पैरों में बंधन वाला नहीं नहीं, नहीं पैरों में बंधन तो बाद में शूट किया था हमने आ, आ चलते चलते के आ, कुछ आ, आ, गाने के कुछ शॉट्स किए थे तब तक फिल्म की हीरोइन बदल चुकी थी आ, काजोल की जगह ऐश्वर्या तो इसकी yes, yes, क्या yes. कहानी है आई आई डोंट वो हमें ज्यादा पता नहीं चला कि चेंज हुआ लेकिन ना वी वेरी हैप्पी हैप्पी टू सी एश आ, बहुत ही आ, आ, हमने उनके साथ पहली बार शूट स्विट्जरलैंड में ही की हाँ. आ, नहीं लंदन में पहली बार मिले हम उनसे क्योंकि हमें थोड़ी सी शूट बात में थी लंदन में हुँ. और फिर बाद में स्विट्जरलैंड में गाने शूट किए वो अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी एंड इनफैक्ट सारी हीरोइंस की मम्मियाँ थी सो इट वाज अ वेरी गुड फन फीलिंग वो सेट पर बहुत ही मज़ा आया आउटडोर के जो शूट थे वहाँ पर बहुत ही मज़ा आया क्योंकि शाम को हम सब बैठ के वो गेम्स खेलते थे आपको तो पता ही है कि शाहरुख बहुत ही कॉम्पिटिटिव है हाँ। और हारना अच्छा नहीं लगता उनको हाँ। और आदि भी बहुत कंपेटिटिव है उनको और ये स्टोरीज भी बहुत फेमस है कि हमेशा साथ में बैठ के वो गेम्स खेलते थे और हाँ। हाँ। हारना कोई भी नहीं चाहता था तो, तो ये मतलब ट्रू है स्टोरीज स्टोरी है, है। है स्टोरी टीम्स बनाते थे हम में से और हम इतना डरते थे कि हम गलत जवाब देंगे तो अगर आप आदि के टीम में हो या शाहरुख के टीम में तो वुड गेट सो एंग्री